हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस टिफिनटास्टिक। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक घुगनी बनाएंगे। घुगनी को आप लोग इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो, लेकिन रोटी, पराठा, ब्रेड और मूढ़ी के साथ भी घुगनी बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। रेसिपी बहुत ही इजी और यम्मी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया रेसिपी अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। घुगनी बनाने के लिए एक कप मटर दाल को अच्छे से धोकर ओवरनाइट सोक करके रख देंगे। मटर को ओवरनाइट सोक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मटर अच्छे से फूल गया है। अब सोक किए हुए मटर को एक पैन में डालकर पका लेना है। आप लोग चाहो तो मटर को प्रेशर कुक भी कर सकते हो। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। अच्छी घुगनी बनाने के लिए मटर ठीक से कुक करना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में हम लोग दाल को चेक करते रहेंगे। मटर नरम हो जाना चाहिए, लेकिन गला देना नहीं है। पके हुए मटर को स्ट्रेन कर लेंगे। पानी को हम लोग फेंकेंगे नहीं, बाद में काम आएगा। एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और एक टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद डाल देना है 2 बड़ा तेजपत्ता। मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने 4-5 डाला है। 2 सूखी लाल मिर्च, 2 इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 1/2 टीस्पून जीरा। अब मीडियम फ्लेम में अच्छी खुशबू आने तक खड़े मसालों को भून लेना है। स्लाइस्ड किया हुआ एक मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे, मेजरिंग कप का 1.5 कप। अब मीडियम टू मीडियम हाई हीट में 4 मिनट के लिए प्याज को भून लेना है। थोड़ा नमक डाल देंगे, इससे प्याज जल्दी ब्राउन होगा। 4 मिनट के लिए प्याज को हम लोग ने भून लिया है और प्याज अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ 1/2 कप आलू ऐड कर देंगे। मीडियम टू मीडियम हाई हीट में बीच बीच में स्टर करते हुए प्याज और आलू को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया है। फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और क्रश किया हुआ हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग 2 लहसुन और 5-6 हरी मिर्च को एक साथ क्रश कर लिया है। हरी मिर्च अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए सब कुछ भून लेंगे। 1 मिनट भून लेने के बाद अब सारे मसाले ऐड करेंगे। तो फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जल ना जाए। अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, थोड़ा मिक्स कर देंगे। ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/3 टीस्पून। अब मीडियम हीट में 5 से 6 मिनट के लिए बीच बीच में स्टर करते हुए मसाले को भून लेंगे। पहले हम लोग मटर को जब स्ट्रेन किए थे तब पानी हम लोग बचा के रखे थे, तो अभी अगर मसाले को भूनते वक्त मसाला ड्राई हो जाए तो वो पानी हम लोग बीच बीच में ऐड कर देंगे। 6 मिनट के लिए मसाले को हम लोग ने भून लिया है, तो अभी 1/2 कप चॉप्ड किया हुआ टोमेटो ऐड कर देंगे। टोमेटो को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए टोमेटो को कुक करना है। 5 मिनट हो गया है और टोमेटो पूरा सॉफ्ट हो गया है। एक बार सब कुछ मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम में बीच बीच में स्टर करते हुए 6 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि ना मसालों के साइड से तेल छोड़ना स्टार्ट हो जाए, हम लोग मसाले को भून लेंगे। फिर से थोड़ा मटर वाला पानी ऐड कर दिया, तो मसाले अब अच्छे से भून चुके हैं। मटर जो हम लोग बॉयल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। मसालों के साथ अच्छे से मटर को मिक्स कर लेंगे। पहले हम लोग जो पानी रिजर्व करके रखे थे वो पानी ऐड करके मटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पानी अगर आपके पास कम है तो थोड़ा नॉर्मल पानी ऐड कर दीजिए।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई हीट में 2 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। 2 मिनट बाद ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून चीनी और स्वाद अनुसार नमक। नमक हम लोग ने पहले भी यूज़ किया है तो चख कर ऐड कीजिएगा। चीनी और नमक ऐड करने के बाद और 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर घुघनी का कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेना है। घुघनी का कंसिस्टेंसी मीडियम रखना है। गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद घुघनी और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अभी घुघनी को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। डाल देंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये ऑप्शनल है, और डाल देंगे भाजा मसाला या मसाला। भाजा मसाला को ज़रूर डालिए, इससे घुघनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। भाजा मसाला और इमली चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।